आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। मुहर्रम पर कई इमामबाड़े से ढोल ताशे एवं मुहर्रमी धुन पर निकाला गया अखाड़ा जुलूस। मुहर्रम पर सराय किला घाट इमामबाड़ा में फतिहा कराने के लिए विभिन्न मोहल्ले से दर्जनों अखाड़ा जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर तजिया, निशान, सिपर और थर्मोकॉल की बनी कई तरह की झांकियां का प्रदर्शन किया गया। वहीं युवा ढोल ताशे बाजे एवं मुहर्रमी धुन पर पारंपरिक हथियार के साथ करतब दिखाते नजर आए। चौक चौराहे पर अखाड़ा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस दौरान सेंट्रल मुहर्रम कमेटी एवं शांति समिति के सदस्यों ने प्रशासन का सहयोग करते दिखे। वहीं सुबह 10 बजे से ही शहर के तमाम अखाड़ा जुलूस फतिया खाने के लिए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर सराय किला घाट स्थित इमामबाड़ा पहुंच रहे थे। वहीं जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज भी लहराया जा रहा था, जो कि देश प्रेम को दर्शा रहा था। वहीं मुहर्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए है। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि कहीं से भी किसी भी तरह का गड़बड़ी न हो, जिसको लेकर हर एक चौक चौराहे पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। नहीं तो ताजिया टाइप पे निकाल ले। मुहर्रम को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है और जैसा आपको ज्ञात है कि 6 तारीख से ही मुहर्रम का कार्यक्रम भागलपुर में शुरू हो चुका है और 6 तारीख का कार्यक्रम भी बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से समापन हो गया। कल 7 तारीख का कार्यक्रम भी शांतिपूर्ण तरीके से समापन हो गया, चौकी लाने और ले जाने का जो कार्यक्रम होता है। और आज भी जो अखाड़े इमामबाड़ा में जाएंगे सराय किला घाट में और वहाँ से वापस लौटेंगे, तो उसको भी पूरी पुलिस की देख रेख और निगरानी में करवाया जा रहा है। और आज रात का जो कार्यक्रम है और जो लगातार 10 को ख़त्म होगा सुबह में, उसके लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स का डिप्यूटेशन किया गया है। रैफ की एक कंपनी आ गई है जिसमें करीब 120 लोग होते हैं और उनको भी 2 भाग में बांटकर हम लोग जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें उनको लगातार भ्रमणशील रखेंगे। इसके अलावा जिला पुलिस बल में जितना भी बल है उनको क्लोज किया गया है और यहाँ तक कि कार्यालय में जो काम कर रहे हैं पुलिस सिपाही और पदाधिकारी है उनको भी क्लोज किया गया, लगाया गया है। और जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित किया गया है और उसी के हिसाब से जॉइंट ऑर्डर भी बनाया गया है। लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है कोतवाली से लेकर ततारपुर जो इमामबाड़ा, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहता है पैकर्स का। और कल और परसों शाहजंगी का जो रूट रहेगा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहेगा, तो इसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि कोई फोर व्हीलर नहीं आए, कोई बड़ी गाड़ियों का प्रवेश ना हो।